लाहौर में किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में तकरीब में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब हुकूमत यंग डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा तनख्वाहें दे रही है, इसके बावजूद मरीज इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। यंग डॉक्टर्स हड़ताल छोड़ दें और मिल बैठकर मामला का हल निकालें। अपने यंग डॉक्टर्स जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उनको आज भी अपील करता हूँ कि अगर आखिरत कमानी है तो खुदारा ये इत्तेहाद छोड़ दें, ये ईगो का मसला न बनाए और अंदर लोग तड़प रहे हों आउटडोर और इनडोर में और इमरजेंसी में और आईसीयू में, और आप किसी भी सही या गलत मौकफ के ऊपर एहतजाज कर रहे हों। वजीर अला पंजाब का ये भी कहना था कि आखिर सरकारी डॉक्टर्स ही क्यों हड़ताल करते हैं, निजी अस्पताल के डॉक्टर क्यों नहीं करते, किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट में दे देंगे ताकि हड़ताल की सरदर्द से बच सकें। अब कोई दुखी बेवा या माँ या बेटी यतीम यहाँ पर इलाज कराने आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि यंग डॉक्टर्स बाहर इत्तेजाज कर रहे हैं और वह अंदर कमरे में वो सिसक सिसक कर जान देंगे, यहाँ पर कोई हड़ताल नहीं होगी। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पंजाब के 36 अजला में इसी नौयत के किडनी और लीवर क्लिनिक कैंप किए जाएंगे। कैमरामैन वलीद शफी के साथ सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर।